नमस्कार, मैं नेहल स्वागत करती हूं आपका राजधानी लाइव के शो सोशल मीडिया की माथापच्ची में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास ट्रेंडिंग खबरों के साथ। सबसे पहले आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। हनुमान जयंती को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जाता रहा है। पिछले साल से ही कोरोना के ग्रहण ने हम लोगों को त्योहार मनाने के लिए घरों में ही मजबूर कर दिया है, जिससे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। घर में ही सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और पूजा करते हुए फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं। लोगों ने घरों के बाहर मंदिर डेकोरेशन, हाथ से बनी मिट्टी की कलाकृतियां, हनुमान का कोरोना के लिए देवता स्वरूप डॉक्टर का फोटो, साथ ही भगवान से कोरोना काल में सबकी रक्षा करने और जल्द ही इस संकट के समय को खत्म करने के लिए प्रार्थना के पोस्ट डाले हैं। यह वीडियो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ का है, जहां शादी में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। दूल्हे की बारात में दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, लेकिन बारात में बाराती नहीं है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सिर्फ दो ढोल वाले और घोड़ी वाला ही है, और शादी में महज चंद लोग, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी चर्चाओं में आया। लोगों ने काफी पसंद भी किया, दूल्हे की तारीफें भी की। इस वीडियो के जरिए लोगों में काफी समझ पैदा हुई है। लोग शादी समारोह में ऐसे ही जाने और इस तरह ही शादी करने के मत को समर्थन दे रहे हैं। कोरोना और मोदी सरकार की इन दिनों जमकर चक्कर चल रही है। दोनों ही एक दूसरे को हारने नहीं दे रहे हैं, और लोग इस बीच संकट के समय में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और राहत सामग्री की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हैशटैग मोदी रिजाइन दो, आज ऑक्सीजन तो कल रोटी जाएगी, फेल्ड पीएम मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, जैसे हैशटैग्स कई दिनों से लगाकर अपनी बात सामने रख रहे हैं। इसी के साथ आज के सोशल मीडिया की माथापच्ची शो में बस इतना ही। और भी ट्रेंडिंग खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव।